हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपी स्टूडियो। आज मैं आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो है अनबॉक्सिंग के बारे में। तो ये एक माइक्रोफोन अनबॉक्सिंग है और माइक्रोफोन का नाम है वॉल्ट CSM265। दिस इज़ द माइक्रोफोन बॉक्स और मैं जहां तक देखा इसका कोई रिव्यू अभी तक यूट्यूब में नहीं है, तो ये एकदम पहला रिव्यू है। तो इसके लिए ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना, जो आप सब्सक्राइब करते हैं उसको बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख लेते इसको खोल के इसके अंदर क्या क्या है। वॉल्ट का जो बॉक्स है वो एकदम सिंपल है, ऊपर लिखा हुआ है CCM265 मॉडल नंबर है। देन अंदर अमेजोन से लिया हूँ, इसके लिए अमेजोन का एक परचेस इनवॉइस है। देन एक मैनुअल आता है वॉल्ट का, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और स्पेसिफिकेशंस वगैरह आता है, लिखा हुआ है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक है और ये एक ओमनी डिरेक्शनल कार्डियोइड माइक्रोफोन है। अब आता है मेन आइटम, ये है वॉल्ट CCM265 माइक्रोफोन जो 270 ग्राम का है और इसके साथ एक माइक्रोफोन केबल दिया हुआ है जो XLR टू XLR है। यह है हमारा माइक्रोफोन, छोटा सा है, तगड़ा सा है, मेटल बॉडी है, ग्रिल बहुत अच्छा है और यहाँ पे वॉल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड XLR पिन दिया हुआ है। माइक्रोफोन का वेट बहुत अच्छा है, 270 ग्राम लिखा हुआ है और बिल्डअप बहुत अच्छा है। ये मेटल बॉडी है और ग्रिल भी बहुत तगड़ा है। इसका जो कैप्सूल है वो 26 mm लिखा हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता ये 26 mm का होगा, बाद में देखा जाएगा। और XLR टू XLR केबल दिया हुआ है और बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, केबल बहुत अच्छा है और XLR कनेक्टर मेटल का है। इसके अंदर जो है वो शॉक माउंट है, देखते हैं शॉक माउंट कैसा है। ओके, ये भी मेटल बॉडी का है, ये कोई प्लास्टिक का बनाया हुआ नहीं है, बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। ये शॉक माउंट बहुत बढ़िया है और माइक्रोफोन के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पाइडर शॉक माउंट है। तो चलिए देख लेते माइक्रोफोन का साउंड कैसा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्ट CCM265 माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन का गेटअप बहुत अच्छा है और माइक्रोफोन का मेटल बॉडी है, इसके साथ एक शॉक माउंट आते हैं जो बहुत अच्छा है। ये मेटल बॉडी शॉक माउंट है और दिखने में भी बहुत स्टाइलिश है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ वॉल्ट CCM265 से, तो ये रहा मेरा वॉयस। अभी हम लोग एक गाना गा के देखेंगे कि इसके साथ वॉयस कैसा आता है और गिटार कैसा आता है, तो चलिए देख लेते हैं। शाम सवेरे तेरे यादें आती है, आके दिल को मेरे उतर पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, मैं इसके साथ गाना गाया और गिटार बजाया और वॉइस ओवर भी मैं रिकॉर्ड किया। और माइक्रोफोन बहुत अच्छा है, स्टाइलिश है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, मेटल बॉडी है और शॉक माउंट भी बहुत अच्छा है। साउंड क्वालिटी 5000 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप बैरिंजर C1 के साथ इसका कंपेयर करें कि और इसके रेंज के जो AKG आते हैं और बैरिंजर का जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसका 50 हर्ट्ज कटा हुआ है, तो इसके लिए इसका जो बेस सेक्शन है, लो सेक्शन है, वो बैलेंस्ड है और ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही साउंड कर रहा है। दिस इज़ फॉर होम स्टूडियो पर्पस माइक्रोफोन। आप ज़रूर इसको परचेस करके आपका वॉइस ओवर और आपका जो गाना रिकॉर्डिंग करना है आप कर सकते हैं। और ये माइक्रोफोन वॉइस के लिए बहुत अच्छा है, सिंगिंग वगैरह इसके लिए बहुत अच्छा है।
तो आप ज़रूर इसको ले सकते हैं। ये पहला रिव्यू है इस माइक्रोफोन का यूट्यूब में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लेना डीपी स्टूडियो चैनल को। थैंक यू।